वहीं शिमला संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवारों की संभावित सूची में शामिल कसौली से कांग्रेस विधायक विनोद सुल्तानपुरी का कहना है कि उनकी उम्मीदवारी पर अंतिम फैसला हाईकमान का है और अगर उन्हें टिकट मिलता है तो वो जरूर चुनाव लड़ेंगे। संवाददाता प्रियंका गौतम ने उनसे खास बातचीत की है, देखिए। शिमला संसदीय क्षेत्र से जो है टिकट को लेकर आपका नाम चर्चा में है। उप मुख्यमंत्री ने भी अपने आयकर रैली के दौरान ने कहा कि आप जो है उम्मीदवार हो सकते हैं, तो आप किस तरह से ले रहे हैं इस डिसीजन को और किन मुद्दों के साथ आप, अगर आपको ये टिकट मिल जाती है तो क्या मुद्दे रहने वाले हैं? देखिए, मैं वेट कर रहा हूँ, अभी हमारी CEC की मीटिंग होनी है दिल्ली में और ये बहुत जल्दबाजी होगी अगर इसके ऊपर हमको बात करें। जो ड्यूटी दी जाएगी हम उसके ऊपर पूरा खरा उतरेंगे और मैं समझता हूँ जब हमने राष्ट्रीय उच्च मार्ग के बारे में, हमने कई बार मेरा विधानसभा में देखा होगा कि हमने उसको कंटेस्ट किया है, तो जो सिटिंग हमारे सांसद रहे हैं उन्होंने उसके ऊपर गौर नहीं किया। मैं समझता हूँ नितिन गडकरी जी बहुत पॉजिटिव एक जिले रहे हैं और उनके पास वो जिक्र ही कर देते कि हमारे वहाँ पे DPR में फुटपाथ ही नहीं है। धर्मपुर में 5 लोगों की डेथ हुई और जब मैंने इसको इस प्रश्न को मैंने विधानसभा में रखा तो उस समय ये बात हमें आई कि वहाँ पे फुटपाथ के लिए DPR ही नहीं बनाई गई। इट्स अ वेरी लेम एक्सक्यूज। 5 लोग मर गए एक ही बारी में और अगर लीगली आप देखें क्योंकि फुटपाथ नहीं है तो आदमी को तो रोड पर ही चलना ही पड़ेगा। तो अगर गाड़ी वाला हिट भी करता है तब भी उस पर केस नहीं होता है क्योंकि इट इज नॉट हिज फॉल्ट, रोड पे चले हैं, आपने सुविधा ही नहीं दी है। तो क्या मतलब ये राष्ट्रीय उच्च मार्ग के ऊपर हमें सोचना नहीं चाहिए था और जो इतने सारे राष्ट्रीय उच्च मार्ग डिक्लेयर किए गए उनको इम्प्लीमेंट करने में क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहा? आई थिंक इट वॉज 0। मैं समझता हूँ इसमें जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है और जो उसको हम किस तरह से बेहतर कर सकते हैं उसके ऊपर हम काम करना चाहिए। रेलवे का हमें वहाँ तक प्रोवाइड करने की कोशिश करनी है। बद्दी रोटी वाला पौंटा साहिब ये सारे इलाके हैं हमारे जो ऑलरेडी इंडस्ट्रियल हब्स हैं, इसको फैसिलिटेट करने के लिए मेहनत करनी चाहिए, मैं ये समझता हूँ। और इससे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत इन्हेंस होगी और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इतनी बड़ी त्रासदी हुई और एक भी शब्द उस त्रासदी के बारे में हमारे पार्लियामेंट में नहीं गया। ये दुखद है। जब आप इलेक्ट हुए हुए हैं तो आपकी जिम्मेदारी है कि जो आपके सामने लोग हैं या आपके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनकी समस्या को आपने उजागर करना है, यही आपका दायित्व है। तो मैं समझता हूँ इसमें हमें इसके ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए कि हमारे रिप्रेजेंटेटिव हमारी बात को आगे रख रहा है कि नहीं रख रहा है।